बिठूजा ग्राम पंचायत में सजी चुनावी रंगत, दावेदारों ने जारी किए घोषणा पत्र। वालोत्रा पंचायत समिति में ग्रामीण सरकार को चुनने को लेकर हलचल जारी है। शहर से सटे बिठूजा ग्राम पंचायत में सरपंच पद के प्रत्याशी दिनेश कुमार गांव के समग्र विकास के लिए समर्थन मांग रहे हैं। बिठूजा ग्राम पंचायत में सरपंच पद की दौड़ में अग्रणी दिनेश डांगी ने अपने चुनावी मुद्दों को जारी किया है। दिनेश ने बताया कि ग्राम पंचायत का समग्र विकास कर गांव को आदर्श बनाना उनकी प्राथमिकताएं रहेगी। नाम बताइए आपका। मेरा नाम दिनेश कुमार। आप किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे, गांव में आप क्या विकास करवाएंगे? गांव में मैं ये विकास करवाना चाहता हूं, गांव के समस्त विद्यालयों के विकास को प्राथमिकता दूंगा, जिसमें ग्राम पंचायत विद्यालय में जितने संसाधन उपलब्ध करवाऊंगा पूर्ण रूप से उपलब्ध करवा दूंगा। गांव के पारंपरिक पानी स्रोतों, तालाब, नाड़ियों आदि का पूर्ण विकास करवाऊंगा। सरकारी सामाजिक योजनाओं का समस्त व्यक्तियों तक पहुँचाऊंगा। गांव के उद्यानों की व्यवस्था करना, मुख्य सौराहों पर CCTV कैमरे की व्यवस्था करवाऊंगा। सभी गलियों में पक्की सड़कों पर रात्रिकालीन रोशनी की व्यवस्था करवाऊंगा। नाली निर्माण एवं उसकी नियमित सफाई करवाऊंगा। खेल मैदानों का विकास है, उसमें समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाऊंगा। सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचकालय की व्यवस्था करवाऊंगा। बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले को फायदा पहुँचाऊंगा। टैक्स स्टैंड का निर्माण करवाऊंगा। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दूंगा।